नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के चैट्स के बारे में। उनकी क्या महत्वपूर्ण किस तरह से वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में, और सबसे जरूरी चीज कि बीजेपी के साथ मीडिया के अर्नब गोस्वामी की किस तरह के लिंक्स रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, डायरेक्टली लिंकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं परंजॉय गुहा ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमसे इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। परंजॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद सुमेधा जी, सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए जो बहुत सारी एक एक तरह से फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स रिलीज हुए हैं चैट्स के, तो ये किस तरह से पब्लिक डोमेन में आए हैं और उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई है, बालाकोट से लेकर के कश्मीर के बारे में और इकोनॉमी के बारे में भी, तो बहुत सारी चीजों को कवर किया गया है। तो दर्शकों को अगर समझना हो कि क्या क्या चीजें जिस पे चर्चा हुई है उसके बारे में आप हमें बताएं। पहला बात है कि बहुत सूचना आए हैं जी, कम से कम 1000 के आसपास, 1000 से ज्यादा पन्ने में अर्नब गोस्वामी के साथ जो BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का जो भूतपूर्व जो CEO पार्थो दासगुप्ता, इन दोनों का बीच जो व्हाट्सएप में बातचीत हुई है, चैट हुए हैं। कैसा मालूम पड़ा? क्योंकि मुंबई पुलिस का जो आरोप पत्र है वही है लगभग 3400 पन्ने का, तो उसमें 1000 से ऊपर ये व्हाट्सएप चैट है। मुंबई पुलिस को कैसा मिला? क्योंकि इस मामला में ये जो TRP या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का जो घोटाला है, इसमें लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जिस लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें पार्थो दासगुप्ता है। आज वो अस्पताल में है, ICU में है, मगर जब उनको गिरफ्तार किया गया, ये साफ हो गया कि उनका जो मोबाइल फोन है, उनका जो दूरभाष यंत्र है, ये पुलिस के पास पहुंच गया और सारे उनके जितने व्हाट्सएप मैसेज था पुलिस के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा? एक है उनका मोबाइल फोन में रह सकता है, और ऐसा है कि अगर वो सेव किया, स्टोर किया, तो iCloud में है, तो iCloud से वो पुलिस, किसी ने उनका तकनीकी, उनको तकनीक मालूम है कैसे ये सारे सूचना मिलने का। तो ये पहला बात है किस तरह से ये सार्वजनिक हुआ, क्योंकि मुंबई पुलिस की आरोप पत्र में आ गया, हमें पता नहीं है मुंबई पुलिस किसी को दिया या किसी को ये मिल गया, मगर आज ये एक तरह से सबके सामने आ गया, सार्वजनिक हो गया। इसमें क्या क्या है? बहुत कुछ है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए, अर्नब गोस्वामी कभी नहीं सोचा था कि ये सारे अपने जो पार्थो दासगुप्ता के साथ जो व्हाट्सएप चैट, ये सबको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए वो अपने मन खोल के कहा जो उसका कहना था। वो कहा कि सरकार कुछ कह रहा है मगर देश का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मगर सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस विषय के ऊपर विरोधी दल जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, जैसे शिवसेना आज टिप्पणी किया, ये है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे मालूम पड़ा कि भारत सरकार या भारत का जो वायु सेना, ये बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक होगा। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव के पहले 14 फरवरी में पुलवामा में हमला हुई, जिसमें 40 CRPF का जवान को हत्या किया गया जी। और उसके बाद ये 26 फरवरी भारत सरकार या वायुसेना, भारत देश के वायुसेना ने बालाकोट में एक स्ट्राइक किया। अच्छा, तो सवाल उठता है कि उसके 3 दिन पहले 23 फरवरी को कैसे अर्नब गोस्वामी को मालूम पड़ा कि ये होने वाले हैं? क्योंकि वो पार्थो दासगुप्ता को ये कह रहे हैं, पार्थो दासगुप्ता को बताया कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है चुनाव के पहले जी। तो पार्थो दासगुप्ता सवाल उठाया कि दाऊद, इसका मतलब कि दाऊद इब्राहिम को वापस ले आएंगे भारतवर्ष में?
तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, नो सर पाकिस्तान, समथिंग मेजर ऑन कश्मीर, ऑन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन ए वे पीपल विल बी इलेटेड। और फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा एग्जैक्ट वर्ड्स यूज। तो उसका मतलब अर्णब गोस्वामी कह रहे हैं कि जो हम सबसे नॉर्मल है कुछ, इससे भी बड़ा कुछ होने वाले हैं, और ये कश्मीर में होने वाले हैं, पाकिस्तान में खराब। और सरकार लग रहे जिस तरह से वो सरकार ये काम करेगा, लोग एकदम उत्साहित हो जाएगा, उत्साह से देख। तो सवाल उठता है, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने उन्हें ऐसे बताया, और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वही वो बता रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज में। Exactly. तो भी सवाल उठता है कौन बताया ये सचमुच। एक तरह से एक टेलीविजन एंकर जिसका टेलीविजन चैनल 4 साल पुराना है, उनको कैसे मालूम पड़ा, कौन उनको बताया? तो यही सवाल लोग उठाया, जैसे मनीष तिवारी कांग्रेस का नेता है, लोकसभा सांसद है, भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री है, आपका छत्तीसगढ़ का मंत्री है त्रिभुवन सिंहदेव, टी एस सिंहदेव जी, जयवीर जयवीर शेरगिल और भी लोग हैं, शिवसेना का संजय राउत, सारे लोग सूचना उठाया कि एक तरह से ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। बिल्कुल। एक एक एंकर को कैसा मालूम पड़ा कि 3 दिन पहले कि ये होने वाले हैं? और अलग अलग जगह में, अलग अलग चैट्स में एक चीज और पहुंच गया, ऐसा भी लगा कि ये जो कश्मीर में जो 370 धारा सरकार हटा देंगे, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भारतवर्ष का जो संविधान में, इसके बारे में भी पहले बताया। और ये भी अर्णब पता नहीं वो सच बोल रहे या झूठ बोल रहे, ज्यादा भरा के बोल रहे, अपने आप को दिखा रहे कि मेरा कितना पहुंच है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी भी उनको फोन किया और फोन करके पूछा आपको कैसा मालूम पड़ा कि ये होने वाले हैं कश्मीर में 370 धारा के बारे में। तो ये कितना अर्णब गोस्वामी को सचमुच मालूम था, या वो दिखाने के लिए मेरा बहुत पहुंच है, मैं प्रधानमंत्री का दफ्तर में, हम जानते हैं लोगों को, ये हमें मालूम नहीं है। मगर अर्णब गोस्वामी का मुंह एकदम बंद है जी। बहुत सारे अखबार ने उनको ईमेल भेजा, मैसेज भेजा, वो किसी का बात, किसी को जवाब नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अभी समय बताएंगे कहां तक सरकार कोई जांच करेगा कि नहीं। और सचमुच जिस तरह से पुलवामा के बाद जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके पीछे पुराया सरकार का क्या चुनाव को देख के ये सारे क्या, या राष्ट्र सुरक्षा का नजरिया रख के जो हुआ हुआ, बहुत तो सारे सवाल है। जिस तरह से राडिया का जो कॉन्वर्सेशन आके दिखाया हमें, किस तरह से कुछ पत्रकार लोगों ने हमारे देश के जो राजनीति में उनका हाथ है, तो ये भी दिखाया, ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ सुमित। तो इन्हीं सवालों के साथ एक और भी सवाल उठता है कि किस तरह का रिश्ता प्रोपोगंडा का एक तरह से मीडिया और सरकार का बन गया है। तो अगर उस पर आप कुछ कहें और बताएं लोगों को कि किस तरह से जो रिपब्लिक टीवी है, जैसे कि आपने बताया पुलवामा के समय या बालाकोट के समय काफी सारे ब्रॉडकास्ट उन्होंने ऐसे किए थे जिसमें वो कह रहे थे, काफी फ्रीली कह रहे थे कि स्टोन पेल्टर्स को मार देना चाहिए और कश्मीरियों को जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है वो एक्सेसिव फोर्स यूज करना चाहिए। तो इस तरह के ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा रिपब्लिक टीवी की एक तरह से स्ट्रेटजी में थे कि प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे सरकार का, ऐसा बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं कश्मीर में स्पेसिफिकली कह रहे हैं। और तो किस तरह का एक रिश्ता हमें नजर आता है प्रोपेगेंडा का इस समय पर, और जिस तरह का मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ही बड़ा सवाल इस चैट के थ्रू हमको दिख रहा है उठता हुआ। सुमित आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अर्णब गोस्वामी जो व्हाट्सएप के चैट में लिखा ये सच है कि नहीं, अगर सच होता तो ऐसा है कि अजीत डोभाल जी को मालूम नहीं था, उसको कैसे मालूम पड़ा? तो एक तरह से राष्ट्र के बारे में, कश्मीर के बारे में एक व्यक्तिगत पत्रकार, एक व्यक्तिगत टेलीविजन संचालक एंकर है, उसको मालूम पड़ा।
और हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, सारे दर्शक को मालूम है, हमारे देश के कुछ टेलीविजन चैनल है जिसका काम है सरकार का गुणगान करना, विरोधी दल का खिलाफ जो भी कहने हैं कहिए। तो सचमुच इस तरह से ये 4 साल पुराना एक चैनल है, वो दिखाने चाहते हैं कि हम, हमारे जो चैनल है लोग देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये पूरा जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP इसका एक घोटाला है। ये एक अलग मुद्दा है कि किस तरह से आज मुंबई पुलिस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति, उनका चैनल जैसे व्यक्ति, ये TRP का मैकेनिज्म का दुरुपयोग किया, लोगों को घूस दिया, ये सारे आरोप बेबुनियाद है कि सच है ये समय बताएंगे, अदालत बताएंगे, ये सारे चीज मुंबई पुलिस का आरोप पत्र में लिखा हुआ है। ये भी साफ हो जाता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये अपने आप को जो हमारे रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया, ये सरकारी चैनल, इसका काम ही है कि सरकार को मदद करना, तो सरकार का जो प्रोपोगंडा है उसी में, उसी का एक हिस्सा है। मगर सबसे जो एक तरह से मजेदार बात है कि अर्नब गोस्वामी, ऐसे भी और भी टेलीविजन संचालक है, एंकर है, जो सरकार को मदद करते हैं, मगर अर्नब गोस्वामी उनको पसंद नहीं करते हैं, शायद उनके अहंकार कहेंगे, कहीं कंपटीशन कहेंगे, ऐसा व्यक्ति के नाम में है रजत शर्मा जी India TV का। और अगर अर्नब गोस्वामी में चैट में वो जो कह रहे हैं सच कह रहे कि नहीं, और भी सूचना उनके पास आ गया, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया हमारे भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, अंग्रेजी में कहा है यूजलेस, निकम्मा, और ऐसे भी लग रहे हैं अगर आप उनका व्हाट्सएप चैट विश्वास करेंगे तो उनको मालूम था कि प्रकाश जावड़ेकर जी वो मंत्री पद से, वो मंत्रालय से जाएंगे और स्मृति ईरानी जी वहां पे आएंगे। ये अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्त को शायद दिखाने चाहते हैं हमारा कितना पहुंच है, हमारे बात सरकार में सबसे उच्च स्तर में लोग सोचते हैं, क्योंकि पार्थो दासगुप्ता उनसे पूछे भाई हमारे लिए प्रधानमंत्री का दफ्तर में कुछ नौकरी मिला दो यार, मीडिया सलाहकार का एक नौकरी मिला दो। तो ये भी दिखा रहे ये कितना सच है, कितना गलत है। बार बार वो मैसेजेस में AS नाम आता है, AS, तो AS साहब कौन है? ठीक है, ये सवाल मैं उठा सकता हूँ आपसे, हमें तो मालूम नहीं है, मगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कौन है ये ASG, ये कौन है AS भाई साहब। तो ये साफ हो गया कि हमारे देश के कुछ टेलीविजन एंकर, कुछ अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अपने आप को मीडिया की क्या कहते हैं, मीडिया का एक हस्ती मानते हैं, किस तरह से आज सरकार के साथ है, किस तरह से उनके खिलाफ जिस तरह से गंभीर आरोप का जांच चल रहा है, ये बहुत ही अत्यंत चिंता का विषय है। ये हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का जो लोक माध्यम किस तरह से चल रहे है, एक तरह से इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हमारे मीडिया एक समय में कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हमारे देश का राजनेता कैसे अपराधी बन गया, तो आज हमारे देश का राजनेता और आम आदमी भी कहेंगे देखो भैया तुम्हारे तुम्हारे मीडिया का तो तुम्हारा भाई बहन है जो बिरादरी है वो भी क्या आरोपी बन गया, वो भी उनके साथ जो आरोप लगाया वो भी खुद क्या अपराधी है कि नहीं, ये भी सवाल आज आम आदमी, आम दर्शक, आम मीडिया का उपभोक्ता ये सवाल उठा रहे हैं। और एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये भी है कि पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया है इन चैट्स पर, जो लोग कह रहे हैं, एजेंसीज वहां की कह रहे हैं कि किस तरह से एक फ्री फ्लैग ऑपरेशन था और ये जो चैट्स हैं वो विंडिकेट कर देते हैं पाकिस्तान का स्टैंड। तो डिप्लोमेटिकली इसकी क्या सिग्निफिकेंस रह गई और इंटरनेशनली हाउ इज इंडिया लुकिंग एट द मोमेंट, क्योंकि इंडिया की इंटरनेशनल इमेज पर भी इसके काफी असर रहेगा। देखिए ये साफ मैं कह सकता हूँ कि भारतवर्ष का छवि और देशों में ये उज्जवल नहीं हुआ, और ये विषय तो पाकिस्तान जरूर उठाएगा, मौका मिल गया जरूर पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा जी। और ये सारे जो आपका जो 1000 से ऊपर जो पन्ने हैं ये आज सार्वजनिक हैं, आप बहुत सारे वेबसाइट्स में आ गया, कैरवैन जैसे वेबसाइट, वहां पे जाके आप खुद पढ़ लीजिए, वहां पे
बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसका दुरुपयोग, जिस तरह से अर्णब गोस्वामी जैसे लोग सरकार का मदद करने का नाम में भारतवर्ष सुरक्षा, किस तरह से भारतवर्ष का राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर, जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को लोग किस तरह से, किस नजरिया से वो खुद देखते हैं, ये सब कुछ आज लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये सारे अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जितने सारे आरोप है, इसका जवाब अर्णब गोस्वामी अभी तक नहीं दिया। ये समय बताएंगे कि वो अदालत में जवाब देंगे कि नहीं, और क्या जवाब होगा, और सचमुच मुंबई पुलिस का जो जांच चल रहा है वो कहां तक जाएगा, ये समय बताएंगे। मगर एक चीज साफ है कि ये पूरा जो घटना हुई है, ये हमारे देश का छवि, हमारा लोक माध्यम का छवि उज्जवल नहीं किया। बहुत सारे लोग, आम आदमी, आम दर्शक, आम पाठक सवाल उठा रहे कि सचमुच मीडिया में ऐसा कुछ लोग हैं जो खुद अपराधी है। और एक बहुत ही दुख की बात है कि इस नजरिया से बहुत लोग आज हमारे देश में, हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के टेलीविजन एंकर, हमारे देश का लोक माध्यम को इस नजरिए से देख रहे हैं। तो आज के ब्रॉडकास्ट पे इन्हीं सवालों के साथ हम अपने दर्शकों को छोड़ेंगे, और न्यूज क्लिक आगे भी इस केस को ट्रैक करता रहेगा और आपको अपडेट्स लगातार पहुंचाता रहेगा। परंजॉय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।